घर में खुद के हाथ की बनी हुई मैगी को टेस्ट करके बताएंगे। चम्मच, फोटोग्राफी भी हो रही है। बहुत मजा आया आज के दिन, बहुत मन किया। निकल रहा है दो दो चार और दो छः जंगल के बीच में हमारा टेंट कैसा लग रहा है, फिर हम आपकी भी मदद करेंगे। आज जो है हमारे टेंट की पहली कैंपिंग होने वाली है, पहले साफ करते हैं इसको। बहुत ही रिस्की काम होता है। कुत्ते की टांग है, कुत्ते की नहीं है, कुत्ते की टांग, कुत्ते की टांग। जा रहे हैं अभी, पता नहीं किधर है लेकिन जा रहे हैं। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है, तो इसी के साथ हम अपने आज के व्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम ठीक हैं। और इस वक्त टाइम है दिन के बराबर एक, तो अभी हम जा रहे हैं पिकनिक करने और हमारे साथ हैं ये अरुण शर्मा। हेलो गाइस, कैसे हो? होप आप सब ठीक होंगे, आप ठीक ही है ना? कैसा मजा आ रहा है? जा रहे हैं अभी, पता नहीं किधर है लेकिन जा रहे हैं कहीं कैंपिंग। सोने लगाया हेडफोन, तुझे पता तो चल ही नहीं रहा है क्या बोल रहे हैं। मुझे सुनाई दे रहा है सब कुछ, हेडफोन में आवाज आती, मैंने गाने नहीं लगाए यहाँ। ओके ओके, और देख सकते हैं हमारे पास स्पीकर है सब कुछ। इस बैग में हमारा वही कल वाला टेंट है, टेंट। हाँ, तो यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। खाली पानी की बोतल है, यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। हम ऊपर चढ़ने जा रहे हैं। हमने अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी है, देख सकते हैं नीचे रोड से ऊपर हम आ गए, लेकिन जाना कहाँ है हमें कुछ पता नहीं है। हमें ना ऐसी जगह चूज़ करने की जहाँ पर हमारा टेंट लग सके, क्योंकि टेंट के लिए प्लेन जगह चाहिए और जंगल में प्लेन जगह मिलनी बहुत ही मुश्किल है। तो करीब 20 मिनट तक जंगल में घूमने के बाद हमें जो है ये जगह मिल गई है। और यहाँ पर देखिए कि हमें क्या मिला है। कुत्ते की टांग है, कुत्ते की नहीं है, ये कुत्ते की टांग, कुत्ते की टांग, कुत्ते की अच्छे से देख। और ये देखिए गाइस, कुत्ते की टांग जो है शेर ने खाया है। आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं गाइस, आगे से दिखाना। हाँ देखिए, कुत्ते की है, बराबर कुत्ते की। देख सकते हैं ऐसा पंजा कुत्ते का ही होता है, कुत्ते का ही होता है। और इतना पतला तो फिलहाल जंगल में आना जो है बहुत ही रिस्की काम होता है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कैंपिंग और देख सकते हैं हमारा गाँव कहाँ पर है, वो देखिए वहाँ पर है, यहाँ से दिख रहा होगा। मस्त जंगल में मास्क क्यों लगाए? जंगल में मास्क लगाया है बिकॉज मेरे को आज जुकाम लगा है, थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसको पहले हम साफ करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर टेंट लगाएंगे, साफ करते हैं। हमारी जगह हो गई एकदम क्लीन, उसके बाद हम लगाए निकालते हैं अपने टेंट को बाहर। तो अरुण शर्मा जी कृपया करके टेंट को अनबॉक्स कीजिए। अनबॉक्स तो हमने कल ही किया था। आज जो है हमारे टेंट की पहली कैंपिंग होने वाली है यहाँ इस खूबसूरत से जंगल में। इसको नीचे बिछा दो पहले, बस इसको बिछा दो पहले, फिर हम आपकी भी मदद करेंगे। तो अभी हमारा टेंट जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। हालांकि कल हमें थोड़ा सा टाइम लगा था इसको लगाने के लिए, लेकिन आज तो हमने 5 से 10 मिनट में ये पूरा टेंट लगा दिया है। और देख सकते हैं ये भी हमने लगा दिया है, यहाँ पर इसको बांध लिया है बिल्कुल परफेक्टली तरीके से हमने बांध लिया है। और देख सकते हैं अंदर, अब हम बारी बारी से अपना सारा सामान अंदर डालेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि जंगल के बीच में हमारा टेंट कैसा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत है जंगल के बीच में। और हमने अपने साथ स्पीकर भी लाया हुआ है। अभी हमने अपना चूल्हा भी बनाना, तो चूल्हा यहाँ से बनाएंगे। देखो गाइस, हमने घर से इतनी मेहनत करके पानी साथ में लाया, दो दो चार और दो छह लीटर पानी लाया हमने यहाँ पर। यहाँ पे पानी की थोड़ी सी कमी है। हाँ, यहाँ पर चूल्हा बनाएंगे, टेंट से दूर है जिसकी वजह से टेंट की तरफ भी हीट नहीं जाएगी। और यहाँ पर लगने जा रहा है हमारा चूल्हा, बन गया। उस साइड से दो पत्थर लगाए, बाकी पहले गए थे यहाँ पर। और ये हमने अपने टेंट से काफी दूर लगाया है जिसकी वजह से वहाँ की तरफ हीट बन जाएगी। एक पत्थर इस साइड लगाना है? नहीं, अब क्यों लगाना है? नहीं लगाना है। और यहाँ पर हम अपनी सीखें तैयार करेंगे। और ये हमने चिकन घर से ही मैरिनेट करके लाया हुआ है। और ये हमारी जुगाड़ी किसकी बनाई हुई सीखें? ये हमने छाते की आगे से, वो ये हमने छतरी तोड़ दी है। तो ये देख सकते हैं हमने इसकी सीखें बनाई है। और ये हमने घर से ये चिकन मैरिनेट करके लाया हुआ है, दो बंदों के लिए काफ़ी है। इसके कोयले बनने तक इंतज़ार करेंगे, फिर उसके बाद अपनी सीखें भी हम तैयार करेंगे। बन गई है अच्छे से, इसको हमने नमक मिर्च मसाला सब लगा के लाया है। तो गाइस, ये हमारी सीखें हो गई हैं तैयार, हमारे अंगारे भी बन चुके हैं, थोड़े थोड़े इसको डालेंगे, इसके ऊपर हम
बहुत अच्छे से देखिए गाइस, धुआं निकल रहा है। थोड़ी सी आग भी जलाएंगे। तो ये हमारी जो है सीख बन के तैयार हो गई है, देख सकते हैं काफी अच्छा पका हुआ है। कलर भी इसका ठीक है, कलर मस्त। इसको पहले टेस्ट करेंगे कैसी बनी हुई है। निकाले ला प्लेट इधर, अच्छे से पका है गाइस। गाइस तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से पका है। हां हां टेस्ट मस्त है, मस्त। तो एक तो हमने खा लिया, अब जो है हम दूसरी भी तैयार करेंगे। उसको हमने टेस्ट करके देख लिया, वो तो काफी टेस्टी थी। और ये आगे पांचवा पीस देख सकते हैं अभी। तो अब हम यहाँ इस पे इसको डालेंगे, इसके ऊपर आराम से हाथ नहीं जलाना बस। तो ये दूसरी बनने जा रही है। तो ये हमारी सीखें लग चुकी हैं। कलर तो इनका काफी औसम देखने में है, लाल लाल एकदम। और यहाँ पर फोटोग्राफी भी हो रही है इंस्टाग्राम के लिए। तो हमने चिकन खा लिया है और देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कढ़ाई, इसमें बनेगी हमारी मैगी। तो पानी डाल दिया है, आग तो और जलानी पड़ेगी यार, आग तो जली नहीं है, इससे थोड़ी बनेगी। यहाँ पे डल गया पानी और अभी ना हवा चल रही है, देख ही सकते हैं ये टेंट की कैनोपी हिल रही है इसे हवा से। हमारी मैगी हो गई बन के तैयार। बस 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 टेंट के अंदर अंदर नहीं, मेरे इस बैग में प्लेट है यार। तो ये हमने अपनी मैगी को डेकोरेट भी कर लिया प्याज और टमाटर डाल के। अब अरुण शर्मा जो है खुद के हाथ की बनी हुई मैगी को टेस्ट करके बताएंगे कैसी है। थोड़ा सा प्याज और टमाटर भी ले, एक नंबर टेस्टी टेस्टी बाय गॉड। प्याज और टमाटर के साथ कैसी है, बिना तेल वाली कुछ नहीं है, ठीक है, अच्छी है ना, अच्छी है, ओके। तो गाइस हमने सारा कुछ खा पी लिया यहाँ पर और अब हम करेंगे अपने टेंट को बंद और चलेंगे घर की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम हमेशा जो है वो जंगल में ही पिकनिक करने क्यों आते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हम पहाड़ों में रहने वाले बंदे हैं, तो यहाँ से दूर तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता हमारे पास कि जो हम जंगल में जाएं। जंगल ही अपना साथी है, क्योंकि यहाँ पर जो है सुकून भी मिलता है, कोई किसी की शोर शराबा कुछ नहीं है। तो हम जंगल में आते हैं, देखा होगा अपने पहली वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा मैं जंगल में और भी पिकनिक की हुई है, तो हम कहीं दूर जा भी नहीं सकते। और उसका दूसरा रीज़न ये है भी कितने दूर जो है घर वाले भेजते भी नहीं है। तो अब हम करेंगे अपने सारे टेंट को बंद करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। तो गाइस अब आ गया इस जगह को बाय करने का टाइम। देख सकते हैं कि हमने पूरी स्पेस जो है क्लीन करके रखी हुई है, कोई भी हमने गंद नहीं फैलाई है। ये हमारा चूल्हा है, पानी डाल दिया है, अपना सारा सामान हम लेके जा रहे हैं, ये हमारी कुल्हाड़ी है। तो चलिए अरुण शर्मा अपना आज का एक्सपीरियंस बताइए कि पिकनिक कैसी रही। पिकनिक बहुत अच्छी रही, बहुत मजा आया, आज के दिन बहुत फन किया हमने। हाँ तो सिर्फ अगर हमारे साथ दो तीन बंदे और होते तो फिर और तो ज्यादा ही मजा आ जाता, लेकिन हम दोनों में भी बहुत मजा किया। हाँ वो अच्छा भी है। तब चलेंगे घर की तरफ, अपना सारा सामान उठा लिया है। तो चले अब स्पीकर में गाने भी लगाएंगे। हाँ।